यह आपके सामने डॉटसन का माई डीजे सेट है। इसके सामने ये फाइन फिनिश में शीशा लगा है और चार ट्विटर हैं, एक बड़ा वूफर यहाँ लगा है। इसमें तीन है बटन सामने, वॉल्यूम, बेस, ट्रेबल। और ये मॉड्यूल है, ये मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करेगा। इसको जब हम पीछे से देखते हैं तो ये ऑन ऑफ है, ये वायर है, ये एंटीना वायर है। जब आप FM चलाएंगे, अगर स्टेशन पकड़ने के साथ शोर आता है तो आप एंटीना को खोल देंगे तो साफ आएगा। ये माइक है, वायर वाला माइक है, जो साथ में नहीं होता है, आपको बाजार में कहीं से भी मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसा माइक होता है, कई किस्म के आते हैं, वो अपनी पसंद का आप ले सकते हैं। और ये ऑक्स है, ये स्पीकर आउट लिखा है, यहाँ से चार स्पीकर, इसकी आवाज़ आप आगे देना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नीचे ऑक्स लिखा है, आपको गिटार या कोई भी गेम की आवाज़ इसमें सुननी है तो आप ऑक्स में डाल के आगे सुन सकते हैं। अब मैं आपको ये सारा सेट चला के दिखाता हूँ। यह देखिए, ये सेट है, जैसे हम इसको ऑन करेंगे ये ब्लूटूथ पे आ जाएगा और बोलेगा। ये ऐसे ही ब्लूटूथ पर आ जाएगा और आप इसको ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर लेंगे। वहाँ पर WLD लिखा आएगा, जैसे आप उसको क्लिक करेंगे कनेक्ट हो जाएगा और ये बोलना शुरू कर देगा। ये मॉड्यूल है, इसमें यह पेन ड्राइव की सॉकेट है, जब आप ये सॉकेट डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पेन ड्राइव पे चला जाएगा। ये इसके साथ ही ऑक्स है, कोई भी चीज़ आपने बजानी है वो यहाँ डालेंगे तो इस सेट में इसको जब तो इसको ऑक्स पे करेंगे तब वो बोलना शुरू कर देगी। इसमें ये 1, 2, 3, 4 बटन छोटे छोटे लगे हैं। पहला बटन में लिखा है नीचे वॉल्यूम माइनस, जब हम इसको दबा के रखेंगे, देखिए आप, ये देखिए वॉल्यूम माइनस होना शुरू हो गया। उसके साथ वाला है स्कैन, जब हम इसको दबा देंगे, एक बार दबा के छोड़ देंगे तो FM को स्कैन करना शुरू कर देगा, सारे स्टेशन अपने आप कैच कर लेगा। तब आप जैसे ये रिमोट है, तब आप रिमोट से 1, 2, 3, 4 जब भी स्टेशन बदलेंगे तो अपने आप चेंज हो जाएगा, फिर स्कैन करने की जरूरत नहीं है। ये अगला बटन वॉल्यूम प्लस है, इसको मैं दबाता हूँ, देखिए ये वॉल्यूम प्लस बढ़ गया, ये फुल हो गया। ये लास्ट वाला मोड है, ठीक है जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी आवाज़ खोल के, ये ब्लूटूथ पर है, जैसे इसको एक बार दबाया ये FM पर आ गया, एक बार दबाया तो ऑक्स पर आ गया, फिर दबाया तो बीटी पे आ गया, पेन ड्राइव पे अपने आप आ जाएगा जब आप पेन ड्राइव डालेंगे। अब हम इसका माइक चला के देखते हैं, इसको मैं माइक की सॉकेट, ये माइक की सॉकेट इन कर दी। अब यह है हेलो, ये ब्लूटूथ का बटन, ये जो लास्ट मोड का बटन है, इसको आप जरा सा दबा के रखेंगे तो इको आ जाएगा, ये माइक ऑन, माइक ऑन आ गया। हेलो हेलो हेलो, ये देखिए, हेलो हेलो हेलो, ये माइक बोल रहा है। आप इससे क्रॉके जो भी गीत चलाएंगे, कुछ भी चलाएंगे, उसके साथ ये क्रॉके का भी काम करेगा। अब अगर हम इसको ऑक्स पर कर देते हैं, FM पर, तब भी ये बोल रहा है। ऑक्स पर करेंगे, हेलो, तब भी बोल रहा है। तो आप जो भी चीज़ चलाएंगे उसके साथ माइक बोलेगा। अगर आपने माइक का इको बंद करना है तो उसका मैं तरीका आपको बताता हूँ। जैसे ये ऑक्स पर है, हेलो, तो कोई भी आपको जो रिमोट आएगा, क्योंकि रिमोट अवेलेबिलिटी के साथ साथ बदल जाता है, तो आपने ये इक्वलाइजर लिखा है, आप इक्वलाइजर को दबाइए एक बार लॉन्ग प्रेस, ये E2 आ गया, इसका मतलब इको है। इसको मैंने माइनस करता गया तो आप इको बंद हो गया, माइक प्लेन, हेलो 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 हेलो, इको बंद हो गया। इसी प्रकार मुझे इको चालू करना है तो मैं फिर इक्वलाइजर को दबा के रखूंगा और फिर उसका वॉल्यूम बढ़ाना शुरू कर दूंगा, तो ये इको बढ़ता जाएगा। अब ये इको पर आ गया, हेलो हेलो, तो इस प्रकार आप इसके सारे फंक्शंस ये चला सकते हैं। अगर कोई आपको फिर भी दिक्कत आती है तो नीचे कस्टमर केयर नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।